गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज जैसा कि आप लोग देख चुके हैं, मौसम अच्छा हो रखा है, बादल गरज रहे हैं, हवा चल रही है, बट बारिश नहीं हो रही है क्योंकि यहाँ बारिश होती ही नहीं है। पता नहीं क्या दिक्कत है, यहाँ पे अच्छा मौसम हो जाता है, बादल आ जाते हैं, लेकिन ऐसे ही ये क्या है, ऐसे ही बादल चले जाते हैं। अरे यार क्या है, ऐसे ही बादल चले जाते हैं लेकिन बारिश नहीं होती है, भाई मौसम अच्छा हो जाता है। तो यस, मौसम अच्छा हो गया है तो मैंने सोचा आज मैं आप लोगों को दिखा दूँ कि मैं कहाँ रहती हूँ, कैसी जगह पर मैं रहती हूँ, वो मैं आप लोगों को दिखा दूँ। तो पहले मैं उसके बता दूँ कि ये जो जेल है ये लखनऊ के आउट एरिया में बनी है, मतलब जो पहले जेल थी वो लखनऊ के सिटी में बनी थी। जो लखनऊ का BIP रोड है ये आलमबाग वाला, तेलीबाग और आलमबाग के बीच में कहीं पे, तो वहाँ पे बनी हुई थी, जहाँ पे अब लखनऊ का इको गार्डन बन गया है वहाँ पे ये जेल बनी हुई थी। लेकिन 2009 में ये शिफ्ट होके, मतलब जो नई जेलें बन रही हैं वो शिफ्ट होके अब आउट एरियाज में बन रही हैं, तो थोड़ा सा शहर से हटके, तो 2009 में ये जेल भी बनी थी। तो यहीं पे मैं रहती हूँ। एंड आप लोग फिर से मतलब वीडियो को देख के अब सब सोच के, मतलब देख के ये मत सोचना कैसी जगह रहती है, अच्छी जगह नहीं है वो, क्योंकि हम लोग उसमें कुछ कर नहीं सकते हैं, क्योंकि मेरे हस्बैंड की जॉब है तो हम लोग को रहना ही पड़ेगा। हम लोग कहीं किराए से भी रहेंगे तो क्यों रहें भाई, क्यों वहाँ पे किराए से रह के अलग से हम लोग पे करें, जो हम लोग को यहाँ मिलता है सरकार की तरफ से घर रहने के लिए। एंड ठीक ठाक मिलता है, मैं नहीं कहूँगी कि बहुत ज़्यादा बुरा होता है, और फिर खुद के ऊपर होता है कि आप कैसे अपने घर को रख सकते हो, है ना। तो ठीक ही ठाक मिलता है, बहुत अच्छा तो नहीं मिलता है बट ठीक ठाक मिलता है। एंड यही है, तो मैं सोच रही हूँ कि मैं आप लोगों के साथ आज अपनी कॉलोनी आप लोगों को दिखा दूँ, क्योंकि छत पे जाने का मौका मिला है, क्योंकि यूजली हम लोग छत पे नहीं जाते हैं, जब मौसम अच्छा होता है तभी जाने का मौका मिलता है, छत पे मक्खी बहुत लग रही है। सो छत पे जाने का मौका मिला है। एंड ओमिका भी सो गई है नहा धो के खा पी के अपना वो सो गई है, तो मैंने कहा चलो सो गई है, मुझे लेके भी नहीं जाना पड़ेगा उसको ऊपर, एंड मैं अकेले जाके जल्दी से फटाक से सारा आप लोगों को दिखा दूँगी। एंड जितनी मैं अभी मतलब जहाँ मैं रह रही हूँ उसके आसपास जितना भी मैं कैप्चर कर पाऊँगी, मैं सिर्फ आपको वही दिखा पाऊँगी आसपास की जगह, बाकी ये एरिया बहुत बड़ा है, मतलब मैं दिखा ही नहीं पाऊँगी, क्योंकि यहाँ पर बनी है तीन जेल बनी है लखनऊ के अंदर, मतलब लखनऊ जेल में तीन जेलें हैं, तो मैं मतलब बहुत पूरा तो नहीं दिखा पाऊँगी आपको। एक कॉलोनी यहाँ काफ़ी बड़ी बनी है, एक कॉलोनी और बनी है, तो जहाँ मैं रहती हूँ मैं सिर्फ आपको उतना ही एरिया दिखा सकती हूँ। सो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ, एंड बताना मुझे कमेंट करके कि आपको कैसा लगा, अच्छा लगा तो बताना, बुरा लगा तो बताना, है ना बता देना बस। सो यस, एंड सब्सक्राइब कर लेना मेरे चैनल को, एंड बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर देना, एंड अपने फ्रेंड्स के साथ फैमिली के साथ शेयर भी कर देना अगर पसंद आ जाए तो, है ना। हो सकता है आपको ना पसंद आए, उनको पसंद आ जाए, शेयर कर देना ना, क्या जा रहा है, पैसे थोड़ी लगने हैं। तो चलिए मैं दिखाती हूँ, एंड चलिए बातें तो होती ही रहेंगी। सो गाइस मैं जा रही हूँ छत पे अपने, जो कि हम लोग बहुत कम ही जाते हैं, क्योंकि मौसम जब अच्छा नहीं होता है तो छत पे जाने का मन नहीं करता है, तो आज मौसम अच्छा है तो इसी वजह से थोड़ा सा छत पे आने का मन कर गया, एंड सोचा आप लोगों को अच्छे से दिखा भी दूँ व्यू। तो गाइस मैं अपने घर से शुरू कर रही हूँ, आप लोग देख सकते हैं मेरी कार खड़ी हुई है यहाँ पे, हम लोगों ने ये लगवाया हुआ था, एंड ये मेरे घर के सामने का है सारा कुछ, यहाँ पे रोड है, एंड ये चारों तरफ घर बने हुए हैं, और जहाँ मैं रहती हूँ ये मतलब एक मंजिल के एक फ्लोर के घर में मैं रहती हूँ, एंड ये यहाँ से सामने से रोड है जहाँ से यहाँ कॉलोनी के तरफ आया जाता है। तो ये सारे घर बने हुए हैं, तीन मंजिल के हैं, कोई दो मंजिल के हैं, ऐसे बने हुए हैं, एंड ये सारा कुछ है। इस तरफ भी थोड़े से घर बने हुए हैं, एंड वहाँ आप लोग देख सकते हैं जहाँ पे बाइक एंड स्कूटी आप लोगों को दिख रही है ना,
वहाँ पे मेरी जिठानी का घर है, वो जो जहाँ स्कूटी खड़ी है ना वही मेरी जिठानी का घर है, वहाँ पे वो रहती हैं। एंड ये जेल की बाउंड्री है, नारी बंदी निकेतन सबसे किनारे इस तरफ को है, तो ये वहीं की जेल की बाउंड्री है। आप लोग देख सकते हैं कितनी ऊंची ऊंची बाउंड्री बनी है। एंड ये टावर बने हुए हैं जहाँ पे सिपाही लोग खड़े होके यू नो पहरेदारी करते हैं, वही टावर बने हुए हैं। तो यस यही है छोटी सी, मतलब छोटी सी नहीं है तो बहुत बड़ी, लेकिन मैं अपने घर से जितना दिखा सकती हूँ। और लोगों ने ये सिर्फ एक तरफ की है, मतलब जहाँ मैं रहती हूँ यहाँ की ये कॉलोनी है एंड काफ़ी बड़ी है, काफ़ी बिल्डिंग्स तो दिख भी नहीं रही हैं, काफ़ी बड़ी एरिया में बनी है, काफ़ी दूर दूर बिल्डिंग, एरिया काफ़ी बड़ा है लेकिन सोसाइटी अच्छी नहीं है, मतलब लोग अच्छे नहीं हैं, तो उस वजह से मुझे यहाँ अच्छा नहीं लगता है। एंड यहाँ पे तीन जेलें हैं जो मतलब ज़्यादातर लोगों को, लखनऊ वालों को तो पता ही होगा लेकिन जिसको नहीं पता है तो मैं बता दूँ, यहाँ पे तीन जेलें हैं, एक तो डिस्ट्रिक्ट जेल है, एक आदर्श कारागार है उसको पता नहीं इंग्लिश में क्या बोलते, एंड एक है नारी बंदी निकेतन जो कि लेडीज़ की होती है जिसमें लेडीज़ लोग अलग से बंद रहती हैं, एंड आदर्श कारागार होती है जिसमें जिसको लाइक लाइफ टाइम के लिए जेल मिल जाती है, सज़ा मिल जाती है, तो वो लोग जाके आदर्श कारागार में रहते हैं। तो एक होती है डिस्ट्रिक्ट जेल जिसमें आते रहते हैं एंड जिसका मतलब टेम्प्रेरी होता है, कुछ टाइम के लिए जेल होती है, तो वो लोग रहते हैं डिस्ट्रिक्ट जेल में। सो यस, अभी मैं जल्दी से ही नीचे जाऊँगी, ज़्यादा देर में यहाँ रुकूँगी नहीं क्योंकि ओमिका सो रही है एंड मैं उसको सुला के आ गई हूँ थोड़ी सी आप लोगों से बातें करने के लिए। एंड तो मैंने बाउंड्री दिखाई आपको, पूरी जेल की बाउंड्री है, इतना ही नहीं बहुत बड़ा एरिया है, बहुत बड़ा एरिया है, मैं पूरा तो आपको दिखा भी नहीं सकती, बहुत बड़े एरिया में जेल बनी हुई है। ये तो ये जो मैंने आपको बाउंड्री दिखाई है वो नारी बंदी निकेतन की है, सो यही है। एंड ये तो कॉलोनी एक यहाँ बनी हुई है, काफ़ी बड़ी जगह में ये बनी हुई है कॉलोनी, एक और कॉलोनी बनी है जो कि डिस्ट्रिक्ट जेल के पास में बनी हुई है, तो वहाँ पे हम लोग नहीं रहते हैं। सो देखा आप लोगों ने मैं कहाँ रहती हूँ, कैसी जगह में रहती हूँ। एंड मुझे यहाँ मतलब मैं नई नई तो जब आई थी तब तो मुझे बहुत ही बुरा लगता था, मैं इनसे बस ये बोलती थी मैं नहीं रह पाऊँगी यहाँ, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, लेकिन फिर होता है ना रहते रहते आदत हो जाती है, तो बस फिर मेरी भी हो गई आदत। एंड अब जब ओमिका बड़ी हो रही है जैसे जैसे, तो हम लोगों को अब यहाँ से जाना है, ट्रांसफ़र करा लेंगे हम लोग ओमिका जब 2 साल की होगी, तब हम लोग सोच रहे हैं यहाँ से जाने के लिए, क्योंकि फिर ओमिका की पढ़ाई भी होगी एंड उसको खेलने वेलने के लिए कुछ भी यहाँ आसपास कुछ भी नहीं है, ऐसा हम लोग को बहुत दूर जाना पड़ता है, अगर हम लोग को पार्क जाना है, बच्चों के लिए जाना है, मॉल जाना है, कहीं भी जाना है तो बहुत दूर जाना पड़ता है, दैट्स वाई हम लोग यहाँ से ट्रांसफ़र कराने की सोच रहे थे। तो अभी देखो कब करा पाते हैं, अभी तो नहीं कुछ आइडिया है, बट टाइम भी हम लोगों का यहाँ पे पूरा होने वाला है, तो हम लोग डेफिनेटली ट्रांसफ़र तो हो गई, तो यस देखते हैं कहाँ जाते हैं कहाँ होता है। तो आई होप आपको आज की मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक से सब्सक्राइब ज़रूर कर देना एंड मुझे कमेंट करके भी ज़रूर बता देना। एंड बस यही है आज का, एंड मिलती हूँ आपको मैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय बाय।